हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक और तोरण डिजाइन बना के दिखाऊंगी, जिसकी स्टार्टिंग हम तोरण पट्टी से करेंगे। तोरण पट्टी के लिए 9 चेन लेंगे। नाइन चेन पर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन छोड़ के थर्ड में डाल लेंगे। इस तरह से हर एक चेन पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बना लेने। फिर 3 चेन लेंगे, 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अभी मैं 4 चेन लूंगी और लास्ट के 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से आए गए। फिर 3 चेन लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, 1 डबल क्रोशिया और, 1 2 3 चेन और यहाँ बांध लेना है बीच में। फिर 1 2 3 चेन और लास्ट के दोनों डबल क्रोशिया बना लेने। दो, फिर 3 चेन लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। तो ये देखिए, ये इस तरह से आएगा। स्टार्टिंग के और लास्ट के 2-2 डबल क्रोशिया सेम बनेंगे। 1 2 3 4 चेन और लास्ट के 2। इसी तरह से कंटिन्यू बनाते जाएंगे और जितनी लेंथ चाहिए उतना ही तोरण पट्टी तैयार कर लेंगे। तीन चेन, नेक्स्ट राउंड के लिए। तो ये देखिए, इस तरह का डिजाइन आएगा। तो इस तरह से मैं लेंथ के हिसाब से बना लूंगी तोरण पट्टी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से तोरण पट्टी तैयार करके पिंक कलर से मैंने इसकी फिनिशिंग की है। सिंगल क्रोशिया 2 बार एक जगह पे और बीच में 1 चेन। तो इस तरह से ये हम तैयार कर लेंगे। अब हम डिजाइन बनाएंगे इसके लिए। तो ये देखिए, ये मैंने एक पेटल बनाई है इसकी। बिल्कुल आसान वाला डिजाइन बनाया है, जो कि अब बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर मैं पेंसिल फ्लावर यूज करूंगी और ये लास्ट में मैंने पोम पोम बॉल यूज की है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कलर भी यूज कर सकते हैं इसी सेम इसी डिजाइन में। तो चलिए मैं डिजाइन स्टार्ट करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर हमने अंदाजे से जगह छोड़ देनी है ताकि एक पेटल बनके हमारी तैयार हो जाए। इतना स्पेस यहाँ पर होना चाहिए और सेकेंड हम अब काउंट करके छोड़ सकते हैं सेकेंड पेटल में। तो इसके लिए हमने ये वाले काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 छोड़े हैं। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे डिजाइन। तो ये देखिए, 5 काउंट कर लिए ये वाले बॉक्स हमने। ये मैंने 10 चेन लिए, आप चाहे तो कम ज्यादा रख सकते हैं। और सेम ऐसा ही डिजाइन बनाना है तो काउंट करके बनाएंगे इसको। अभी तो ये देखिए, ये 7 हमने बना लिए हैं। आप चाहे तो और ज्यादा भी बना सकते हैं बढ़ा के। अब यहाँ से हमने ये धागा स्लिप स्टिच लेके यहाँ ले आना है। आप काट के अलग से बना के लगा सकते हैं। अब यहां से हम इन्हें जोड़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग वाला, ये देखिए,
तीन चेन लेनी है, चार डबल क्रोशे बनाने, दो तीन चार, फिर दो चेन लेंगे, फिर चार डबल क्रोशे, देखिए इस तरह से ये आ जाएगा, फिर एक चेन लेंगे और नेक्स्ट में डाल लेंगे, डबल क्रोशे से इसी तरह से सारे जोड़ लेंगे, एक चेन नेक्स्ट में जोड़ लेंगे डबल क्रोशे से ही, तो ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर हम दो राउंड और बनाएंगे, तीन राउंड टोटल होंगे, तो इससे मैं ऐसे ही चार चार डबल क्रोशे बीच में दो चेन, तो इस तरह से ये मैं बना के तैयार कर लूंगी दो राउंड और इसके बाद। तो ये देखिए इस तरह से ही हमें डिजाइन बना लेना है, ये मैंने तीन राउंड कर लिए इसके टोटल। अब हम इस पर पॉम पॉम बॉल लगा सकते हैं, या आप चाहे तो झालर लगा सकते हैं, या इसी कलर का एक राउंड और कर सकते हैं फिनिशिंग के लिए। तो इस तरह से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। पॉम पॉम बॉल बनानी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत आसान तरीके से हमने बना के दिखाई हुई है अलग अलग तरह की पॉम पॉम बॉल। तो ये देखिए इस तरह से पोम पोम बॉल बना के हम स्टिच कर लेंगे इसे, आप चाहे तो मोती भी यूज कर सकते हैं। ये जो डिजाइन बनाया है हमने इसके इस वाले कॉर्नर पर इसे हम लगाएंगे,
ये देखिए इस तरह से इन सब पर हम स्टिच कर लेंगे और सेम ऐसी पेटल तैयार हो जाएगी फिर।